तो पिछली क्लास में बात करी थी टंग के बारे में, इसको हम लोग यहाँ पर लिंगुआ भी बोलते हैं। और मैंने बताया था, मान लीजिए कि हमारे पास टंग है, ठीक है, इस तरीके से टंग का सेक्शन था जिसको टंग एरिया हो, और यहाँ पर कुछ कुछ टेस्ट बड्स हमारे पास प्रेजेंट है, कपिला प्रेजेंट है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है जिसके पैरेलल में है, और ये वाला रीजन है जहाँ पर टेस्ट बड्स हमारे पास प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पर हमारे पास जो है बिटर टेस्ट के लिए प्रेजेंट, ठीक है, बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स थे। यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट बड्स है, देन सोर है, और देन स्वीट है। बच्चों, दीज आर द टेस्ट बड्स। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारी टंग होती है, फ्रंट भी दिखा रखा है, मान लीजिए दिस इज द माउथ, अब यहाँ पर हमारे पास ये ओरल बेस है, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर ये टंग प्रेजेंट है, तो हम तो कहते हैं दिस इज द टंग। ये हमारा फ्रेनुलम है जिससे वो ओरल बेस से कनेक्ट होती है, लेकिन ये जो टंग होती है बच्चों, नीचे तक जाती है हमारी, ये टंग जो होती है ये नीचे तक होती है, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। साइड व्यू से देखिए तो ये टंग हमारी इस तरीके से यहाँ तक नीचे तक जाती है, ठीक है। कई बार गले में यहाँ पर टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं, उसका भी क्या कनेक्शन है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहली चीज, इट लाई एट द फ्लोर ऑफ द माउथ, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है बैक वाला, एंटीरियर ये होगा जहाँ पर स्वीट है, ठीक है, वो पोस्टीरियर अंदर की तरफ है, इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्टल कैविटी बाय द सॉफ्ट लिगामेंट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द फ्रेनुलम। ये हमारे पास यहाँ पर फ्रेनुलम है, दिस इज कॉल्ड द फ्रेनुलम। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा टंग का जो फेरेंजियल पार्ट है, यानी पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, देखिए ऐसा कुछ है, दीज आर द टॉन्सिल्स, ये बेसिकली टॉन्सिल्स है, दीज आर द टॉन्सिल्स। अब ये टॉन्सिल भी हमारे पास कई टाइप के हैं, कई कैटेगरी के हैं बच्चों, इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये टंग के टॉन्सिल्स है, तो इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ऑल दीज आर द लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मतलब कि यहाँ पर टॉन्सिल से मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यूज का सेल्स का गुच्छा होता है, सेल्स का गुच्छा तो मैंने टिश्यू बोल दिया उसे, तो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। हमें लिम्फोइड बोल रहा हूँ तो यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। उसके अलावा टंग के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने और भी बताई थी आप लोगों को। अच्छा, जैसे जो टेस्ट बड्स होती है वो बिटर है, सॉल्टी है, सोर है और स्वीट है हमारे पास। अगर कुछ कुछ समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, कुछ भी स्पाइसी फूड देते हैं तो स्पाइसी फूड जो होता है, जो मिर्च होती है, जो चिली होती है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता किसी तरीके का, रिमेम्बर वन, वो बेसिकली क्या होता है, चिली के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से एक सेंसेशन क्रिएट होती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन। तो इट इज नॉट अ टेस्ट, इट इज अ जस्ट बर्निंग सेंसेशन। तभी हम लोग बार बार ज्यादा पानी पीते हैं। तो हमारे पास जो टेस्ट बड्स है वो बिटर है, सॉल्टी है, सोर है और स्वीट है, चार तरीके के हमारे पास यहाँ पर टेस्ट बड्स। बाकी इसके फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, और मैंने बताया था कि जो बर्निंग सेंसेशन होती है बच्चों, देयर इज द बर्निंग सेंसेशन, डाउट पूछा आपने तो मैं बता रहा हूँ। तो बर्निंग सेंसेशन होती है, बेसिकली एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैप्सिसिन, देयर इज अ कैप्सिसिन, ये केमिकल है, केमिकल जो बेसिकली प्रेजेंट होता है स्पाइसी फूड के अंदर, चिली के अंदर, एंड स्पाइसी मींस अ बर्निंग सेंसेशन इज नॉट अ टेस्ट। तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो हमारी बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स होती है, उनका कलर भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है।
अच्छा, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास तीन तरह की यहाँ पर फैटी लीव होती है। दीज आर द फैटी लीव, दीज आर द फैटी। अब ये पेपिली हमारे पास टंग की सरफेस पर, अभी तो मैं नॉर्मली टंग देख रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास ये टंग है ठीक, लेकिन इस टंग के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, सरफेस प्रेजेंट होती है, किस तरीके की सरफेस प्रेजेंट है ये देखते हैं ठीक है, और उस हिसाब से इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, किस तरीके से हमारे पास पेपिली प्रेजेंट होती है। मैंने आप लोगों को तीन तरीके के बताए, देयर इज, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्कम वैलेंट पेपिली, पहले नंबर पर। दूसरी हमारे पास यहां पर फंगी फॉर्म पेपिली, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्ली फॉर्म पेपिली होती है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास टंग है, और टंग की जो सरफेस है वो किस तरीके से होती है, एक तो प्लेन सरफेस तो होती है बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मेरे पास सरकम वैलेट पैपिली जो होती है बेटा, लगभग 8 से 12 ही नंबर है, लार्जेस्ट इन साइज है, सर्कुलर इन आउटलाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखिए ये जो रीजन है जो टंग का लास्ट पार्ट है माउथ के अंदर कैविटी के अंदर, दिस इज कॉल्ड द सल्कस टर्मिनल, जहां पर 8 से 12 ही नंबर है, लार्जेस्ट साइज है, एंड दीज आर सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी कि इनकी शेप किस तरीके से होती है देखिए, तो ये सर्कुलर वाली जो हमारे पास बर्ड्स है बच्चों, ये सर्कम वैलेट टाइप की है, दीज आर द सर्कुलर इन, ये हमारे पास इधर में सर्कम वैलेट टाइप की प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो फंगी फॉर्म होती है, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, मशरूम शेप होती है, मान लीजिए यहीं पर इसी पेस्ट बर्ड्स को मैं आगे कॉन्टिन्यू करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चों, ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है, देन फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, दीज आर कॉनिकल इन शेप, ये देखिए कॉनिकल इन शेप ठीक है, टंग को हम आगे और कॉन्टिन्यू कर देते हैं। So, these are the papillae, ये सारी की सारी हमारे पास पैपिली स्ट्रक्चर होती है बस ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, जो पैपिली होती है इन्हीं पैपिली के अंदर कुछ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे जैसे सर्कम पैलेट, सर्कम पैलेट पैपिली है, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ कुछ इस तरीके से, डिप्रेशन बने होते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर है, अगर मैं इसी को जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए दीज आर द डिप्रेशन, जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टेस्ट बर्ड, तो ये दीज आर नथिंग एल्स, दीज आर द टेस्ट बर्ड, से टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हो। फिलीफॉर्म पेपिली के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर देयर आर नो टेस्ट बर्ड, इनके अंदर तो टेस्ट बर्ड्स जो होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है बच्चों हमारे पास ठीक। अच्छा अब अगर मैं इन्हीं डिप्रेशन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू सी यू दिस डिप्रेशन, जूम का सिंबल बना दिया मैंने, किसी का सिंबल जूम, तो ये देख दीज आर द डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन और कुछ नहीं है, दीज डिप्रेशन आर द टेस्ट बर्ड ठीक है, ये डिप्रेशन हमारे पास बच्चे इधर में टेस्ट बर्ड्स होती है, और इन्हीं के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होती है, देयर आर सम सेंसरी सेल्स जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर ठीक है, तो ये देखिए दीज आर द सेंसरी सेल, और ये ध्यान से देखिए कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास क्या बच्चों कुछ टिश्यू प्रेजेंट है, दीज आर द सेंसरी सेल्स, और ये जो सेंसरी सेल्स होती है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, तो आप ये देखिए
इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बेस पर होता है। सबसे पहली चीज तो होगा यहाँ पर ही, दीज आर सेंसरी सेल्स बॉडी। देयर आर सेंसरी सेल, और हम लोग क्या देखते हैं जो सेंसरी सेल्स होते हैं बच्चों, इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। गॉट इट? दीज सेंसरी सेल्स हैव गस्टेटो रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द गस्टेटरी रिसेप्टर। अब इन्हीं के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। There is a presence of structure, there is a presence of cell. This is called as stereocilia. ये देखिए, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, so these are termed as stereocilia, जहाँ पर gastrocnemius receptors है, जो basically किसी भी तरह के chemical के, किसी भी तरह के food के sensation को क्या करती है बच्चों, identify करती है। Just imagine, मान लीजिए हम लोगों ने food खाया और वो क्या है, वो यहाँ पर शुगर है, इफ इट इज शुगर, ये शुगर आएगा और ये स्टीरियोसिलिया से कनेक्ट हो जाएगा और यहीं पर प्रेजेंट है हमारे पास गस्टेटो रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ये मैसेज जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इस तरीके से इन्हीं से इम्पल्स जुड़ी होती है। देखिए, देयर आर सम नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन्स उससे अटैच होती है, तो दीज आर द नर्व सेल, नर्व सेल्स होती है, कहाँ जाती है, सीधा हमारे सीने तक जाती है। दीज आर द नर्व सेल्स और फाइबर्स, जो कहाँ जाती है, सीधा हमारे सीएनएस तक जाती है और उस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर। नॉर्मली अगर अब देखो, अभी हम लोगों ने फूड किया, अगर फूड के अंदर शुगर है, समझना, अगर फूड के अंदर शुगर प्रेजेंट है तो टेस्ट कैसा आता है यहाँ पर, स्वीट। ये डिपेंड करता है फूड क्या हम लोग ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एसिडिक फूड ले रहे हैं, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, तो उसके अंदर सो दही खा रहे हैं, फूड चाट रहे हैं आप लोग, तो वो हमारा सोर होता है। और सॉल्टी कब होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब आयनिक स्ट्रक्चर होती है, देन देयर इज अ सॉल्टी फूड, यहाँ पर सॉल्टी फूड होता है जब उनके अंदर आयन की कंसंट्रेशन होती है। बिटर, कड़वा, आप लोगों ने दवाई खाई होगी, डॉक्टर जो होते हैं दवाइयाँ देते हैं, कड़वी दवाइयाँ देते हैं, तो इफ दे गिविंग टू ड्रग्स, कैफीन, समथिंग, तो दिस टेस्ट आर बिटर। तो इनका जो टेस्ट होता है बच्चों वो कैसा होता है, इनका टेस्ट हमारे पास यहाँ पर बिटर होता है। अच्छा, यही जो सेंसरी सेल्स होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए इनके बीच सेल्स प्रेजेंट होते हैं। And these are the supporting cells. ये cells हमारी क्या कहलाती है बच्चों? ये cells यहाँ पर हमारी क्या कहलाती है? हमें supporting cells कहलाती है। बाकी यहाँ पर पूरी टर्म के अंदर मैंने देखा इस तरह के birds और ये सारी चीजें इधर में present है, क्या depressions होती है, क्या structures होती है, all these are discussed। तो यानी कि हमने क्या देखा कि जो टेस्ट बर्ड्स होती है, ऑल दी टेस्ट बर्ड्स आर, भाई शुगर के लिए, एसिड के लिए, तरह के लिए, तो टेस्ट बर्ड्स बेसिकली कीमो रिसेप्टर, भाई ये सारी की सारी कीमो रिसेप्टर ही तो हमारे पास, ऑल दीज आर द कीमो रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं देखिए टीथ के बारे में, तो टीथ जो होता है वो फूड के फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, grinding and crushing the food. सबसे पहले जो भी हम लोगों ने फूड खाया है उसको यहाँ पर ग्राइंड करना और उसको बच्चों यहाँ पर क्रश करना। अब ये जो टीथ होते हैं हमारे पास, हमारे माउथ के अंदर है, आप देखेंगे एक सॉकेट होता है जिसके अंदर अटैचमेंट होते हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन इसके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर, जैसे आप ये देखिए, ये एक सॉकेट बना हुआ है और इसी के अंदर हमारे टीथ है, टीथ टीथ टीथ, देखिए किस तरीके से अरेंज इन सॉकेट के अंदर घुसे हुए। सो बेसिकली ईच टूथ इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, उसकी हड्डी होती है,
उसी के अंदर सॉकेट होता है और जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द कोडोन। मान लीजिए ये टीथ हमारे, तो ये जो अटैचमेंट है दिस इज कॉल्ड द कोडोन। तो द कोडोन क्या है हमारे पास बच्चों, इज द अटैचमेंट, इट इज एन अटैचमेंट ऑफ टीथ द सॉकेट ऑफ जॉ। अब हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन के अंदर देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ इन द लाइफ है। हमारे अंदर क्या होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ। हमारे माउथ के अंदर दो बार लाइफ टाइम में दांत आते हैं, तो टू सेट्स ऑफ टीथ को हम बोलते हैं डाइफायोडोन। दिस इज कॉल्ड द डाइफायोडोन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो दांत आते हैं वो मिल्क टीथ के आते हैं, और डेसीडियस टीथ बोला जाता है इनको, ठीक है, इज आर द डेसीडियस। जो दूसरे दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, अगर ये खत्म हो गए तो कट गए तो भैया कट गए। यानी अगर एक बार गिर गए आपके मुंह से तो समझ लो गिर गए भैया, दोबारा नहीं आगे भी तो नकली लगवाने पड़ेंगे। मिल्क टीथ अगर एक बार गायब हो जाते तो दोबारा आ जाते। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इज टर्म्ड एज हेट्रोडॉन्ट, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। चार तरीके के दांत हमारे माउथ में पाए जाते हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर एंड मोलर। ये नंबर ऑफ टीथ जो पेयर में पाए जाते हैं इन पेयर, तो इसके हिसाब से हमारा एक डेंटल फार्मूला होता है, देयर इज अ ह्यूमन एडल्ट डेंटल फार्मूला, दिस इज द 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3 into 2 is equal to 32. मैथ मत लगा देगा यहाँ पर, देखिए किस तरीके से होता है। मानिए जबड़ा, अब इसके अंदर आधे हिस्से में यानी कि इस तरीके दो दांत होते हैं हमारे इंसीजर, तो एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, आधे जबड़े में दूसरी तरफ भी होंगे, इस साइड भी है ये इंसीजर, फ्रंट के चार दांत होते हैं इंसीजर हो गए। फिर उसके बाद होता है सिंगल होता है कैनाइन, ये देखिए तो थोड़ा सा नुकीला होता है कैनाइन है। देन उसके बाद दो होते हैं प्रीमोलर, एक दो, दो इस साइड दो इस साइड, डबल टू इंटू टू करता है, और तीन होते हैं प्रीमोलर, ये देखिए एक दो तीन। तो हमें इनका टोटल करना है बच्चों, टोटल करेंगे तो हमारा जाकर के 32 आता है। अब ये अरेंजमेंट अपर जॉ में है, दिस इज अरेंजमेंट इन द लोअर जॉ, ये हमारा अपर जॉ में है लोअर जॉ में, इसकी वजह से डेंटल फार्मूला बनता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 × 2 इज इक्वल टू 32, ठीक। ये ह्यूमन टीथ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टीथ जो होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं कई तरीके से, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर शेप के हिसाब से हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, फंक्शन के हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं, अटैचमेंट के हिसाब से, सक्सेशन मतलब कि इवोल्यूशन है ना, कैसे कैसे आते हैं, फिर टाइप्स और रूट, शेप ऑफ कस्प, इनके बेसिस पे मैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अटैचमेंट, टाइप्स ऑफ टीथ। क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ अटैचमेंट, किस तरीके से इनका अटैचमेंट होता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक अटैचमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, दा कोडोन पर एक अटैचमेंट यहाँ पर हो गया है, ठीक है, बल्कि इसको भी अगर मैं जूम करके बता दूँ तो
देखिए इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसके अंदर तो डिप्रेशन और ये समझ रहे आप लोग, ये सॉकेट हो गया और इस तरीके से यहाँ पर ये टी दिखता है। तो इस तरीके से जो अटैचमेंट होता है हमारे पास वो कोडोन कहलाता है। एक और अटैचमेंट है हमारे पास जिसको मैं बोलता हूँ एक्ट्रोडोन, एक अटैचमेंट ये रहा। दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पर दोस्तों एक्रोडोन। अब देखिए एक्रोडोन के अंदर क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, जो टीथ होते हैं सुपरफिशियल अटैच होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द जॉ बोन। ये मेरे पास जॉ बोन है और यहाँ पर ये देखिए टीथ अटैच। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट है वो एक्रोडोन कहलाता है, नॉर्मली फ्रॉग के अंदर शार्क के अंदर पाया जाता है। दूसरा अटैचमेंट है मेरे पास प्लूरोडोन, प्लूरोडोन में जाते हैं टीथ अटैच तो होते हैं जॉ बोन से बट बाय द बेस ऑन वन साइड, ये देखिए ये सॉकेट समथिंग, लेकिन जो टीथ होते हैं वो इस तरीके से अटैच है यहाँ पर एक साइड, ठीक है ये वाला साइड खाली है। तो हमारा प्लूरोडोन कहलाता है और जो पूरे तरीके से अरेंजमेंट होता है प्लूरोडोन कहलाता है। फिक्स इन सॉकेट, इन सॉकेट को एल्वियोलाई बोलते हैं द बोन, जो नॉर्मली प्रेजेंट है मैन के अंदर क्रोकोडाइल्स के अंदर। इसी वजह से इस तरह के जो टीथ होते हैं हमारे पास, दीज आर टर्म्ड एज ट्रू टीथ, ठीक है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, दीज आर टर्म्ड एज ट्रू टीथ, ये हमारे पास ट्रू टीथ कहलाते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, जो टीथ होते हैं हमारे पास टीथ की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, स्ट्रक्चर किस तरीके, हम यहाँ पर टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जनरल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। ये सॉकेट हो गया, सबसे पहले हमारे पास सॉकेट है और इसके अंदर जो टीथ होता है ये देखिए, दिस इज द टीथ, ठीक है ये हमारे पास टीथ हो गया। कुछ कुछ समथिंग इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, ये टीथ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा टीथ है इसका जो अपर सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द क्राउन, ये हमारा इधर में क्राउन कहलाता है। एंड उसके बाद देयर इज अ नेक, दिस इज कॉल्ड द नेक, और ये जो सेक्शन अंदर की तरफ घुसा हुआ है इसी को हम बोलते हैं रूट। अगर आप लोगों को कभी दांत में दिक्कत हुई, आप कभी डॉक्टर्स के पास स्पेशलिस्ट के पास जाते तो बोलेंगे जी रूट थेरेपी है, यानी कि अगर कोई दांत खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है तो उस समय देखते हैं रूट ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट जी। वो टीथ होते हैं आर्टिफिशियल बने होते हैं, उनके अंदर नट होते हैं, वो आपके जॉ के अंदर उसको सेट कर देते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द सॉकेट, इसी सॉकेट को हम बोलते हैं एल्वियोलस, और ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया था इसी को हम लोग यहाँ पर एल्वियोलाई भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, तो उसी का कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाएगा और वहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, टीथ का क्वेश्चन आएगा उसका एल्वियोलस लिखा होगा, हम इसको डिलीट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी ऑप्शन को हम गो थ्रू करते हैं, उसी पर टिक लगा देते हैं, आंसर इज रॉन्ग। तो बहुत जनरल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा। इसको हम एल्वियोलस बोलते हैं और यहाँ पर ही एल्वियोलस बोन होती है हम, क्या बच्चों। चलिए तो सबसे पहले क्राउन है द पार्ट विच प्रोजेक्ट अबव द गम्स, ये हमारे पास गम्स होते हैं बच्चों, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है ना भाई, यहाँ पर हमारे पास ये प्रेजेंट है, वो सेक्शन हमारे पास इतने गम्स का है, इसको दिमाग में रखिए। और ये सेक्शन इज द गम, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, अरेंज होता है, हम देखते हैं कि अच्छा हुआ होता है इसके अंदर बच्चों हमारे गम्स के अंदर, और यहीं पर ये जो एरोज है या सिंबल्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं मेटेरियल को, जिसको मैं बोलता हूँ सिलेंटम।
सीमेंटम के थ्रू जो टीथ होता है ये हमारा एक तरीके से गम्स के अंदर अटैच होता है, अभी के अंदर एक तरीके से यहाँ पर घुसा हुआ होता है, निकल रही है घुसा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो टीथ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, क्वेश्चन आता है बेटा टीथ के ऊपर अच्छे से पढ़ना है इसको, टीथ के बारे में गो थ्रू करना जब हम टीथ के बारे में बात करते हैं। तो डेंटल फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, डेंटल फार्मूला जो 2 1 2 3 4 2 1 2 3 2 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
द हार्ड चुइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल. जो हार्ड चुइंग सरफेस होती है दिस इज कॉल्ड द इनेमल. अगर आपसे पूछा जाता है क्राउन ऑफ टीथ यानी कि सबसे अपर लेयर तो वो इनेमल कहलाते हैं. इनेमल इज द हार्ड ग्लोटिंग सब्सटेंस दैट कवर्स द क्राउन ऑफ अ टूथ. जो टूथ के क्राउन को बेसिकली इस तरीके से क्या करके रखते हैं यहाँ पर कवर करते हैं. ये हमारे पास जो सबसे अपर लेयर होती है इनेमल कहलाती है.